ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की कवर स्टोरी में कुछ खास। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जन अधिकार पार्टी ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिया ज्ञापन। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। आज जन अधिकार पार्टी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा बढ़ती महंगाई के संदर्भ में एक साथ प्रदेश के 75 जिलों में धरना दिया तथा राष्ट्रपति और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन को जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रेषित किया। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आए दिन हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती आदि जैसी घटनाएं सुनामी की तरह प्रदेश में फैल रही है। समाज का कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं रह गया है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी अपराधियों के गिरफ्त में आ गया है। कानपुर के बिकरू गांव में अपराधी विकास दुबे तथा पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 पुलिस कर्मियों की मौके पर ही हत्या हो गई, इसका ज्वलंत उदाहरण है। वहीं धरने को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र प्रजापति ने बताया कि मैनपुरी में एक प्रजापति परिवार को जिंदा चला दिया गया। अभी तक वह परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। साथ ही उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार द्वारा परिवार के प्रति सदस्य के हिसाब से 50 लाख रुपए एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए, परंतु यह विडंबना है कि प्रदेश के मुखिया की तरफ से उस परिवार को अभी तक ना तो कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है और ना ही परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की गई है। ऐसा लगता है कि न्याय कमजोरों, पिछड़ों, दलितों, गरीबों के लिए नहीं रह गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इरफान इरशाद ने बताया कि सुरसा डायन की तरह बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़ती है। काम धंधे सब चौपट हो गए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। इस सरकार में युवा, किसान, मजदूर, गरीब कोई भी वर्ग महफूज नहीं है। चारों तरफ त्राही त्राही मची है। ऊपर से कोरोना जैसी घातक वैश्विक महामारी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं नव नियुक्त पार्टी की दिल्ली की प्रदेश अध्यक्षा आरती प्रजापति ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार आदि की घटनाएं सामान्य हो गई हैं। हर तरफ जंगल राज कायम हो गया है। चौधरी तालिब हुसैन ने बताया कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। कर्ज में डूबे हुए किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। इस मौके पर अंकित प्रजापति, प्रकाश प्रजापति, सुमित प्रजापति, भावना प्रजापति आदि सदस्य उपस्थित रहे। प्राइम मिनिस्टर 24 के लिए कमलेश प्रजापति की रिपोर्ट।